उज्जैन के टावर चौक पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। इन युवक और युवतियों का कहना है कि हम बेहद परेशान हैं और हमारा गुजर बसर करना बेहद कठिन हो चुका है। हमको शिक्षा विभाग में नियुक्त किया जाए और हमें नौकरी दी जाए, क्योंकि इस समय हम सब भुखमरी की कगार पर हैं। हम परेशान हैं और परिवार को चलाने में यह विरोध आगे भी निरंतर चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्यान दें, हमारी और हमारी समस्या का निराकरण करें। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पूर्ण करो भाई, पूर्ण करो, शिक्षा भर्ती पूर्ण करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आप हमारे मामा हो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। अरे आप हमारे मामा हो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आप हमारे मामा हो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। शिक्षा का स्तर बढ़ाने को, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। मामा हो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आप हमारे मामा हो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। आप हमारे मामा हो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। पूर्ण करो भाई, पूर्ण करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो। अरे पूर्ण करो भाई, पूर्ण करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूर्ण करो भाई, पूर्ण करो। बताइए किस प्रकार से आप लोग आज का धरना दे रहे हैं, क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं और किस प्रकार से क्या है? सर, वर्ष 2018 में ये वैकेंसी निकाली गई थी, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण इसकी एग्ज़ाम की जो डेट थी उसको भी आगे बढ़ाया गया था। उसके पश्चात एग्ज़ाम हुई, रिजल्ट आया, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भी काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। 3 दिन तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के बाद कोरोना काल में परिवहन के साधनों की असुगमता को देखते हुए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को टाल दिया गया और ये कहा गया हमको कि इसको जल्दी हम शुरू करेंगे, लेकिन उस बात को भी अभी लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को आ गया है। लगभग 30,000 शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 में चयनित हैं, जो इस प्रक्रिया का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। CM साहब को भी हमने कई बार ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी कई बार ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में कई बार बात की गई, लेकिन कहीं से भी कोई आशाजनक जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां उनको ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई आशाजनक जवाब नहीं मिल रहा। नाम सुंदरम अमनावत, बायोलॉजी से चयनित शिक्षक हूँ। मेरे साथ ही लगभग पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 लोग हैं जो 2018 से निकली हुई भर्ती के बाद चयन की उम्मीद लेकर के आज तक परेशान हो रहे हैं। हम लोग आर्थिक रूप से भी परेशान हैं और मानसिक रूप से भी परेशान हैं। प्राइवेट स्कूल सभी बंद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट स्कूलों का सहारा था जहाँ से हमको निकाल दिया गया है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारा चयन जो है जल्दी से जल्दी करें और हमें इस आर्थिक स्थिति से निपटाने की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।